यशपाल सिंह। आज का जो विषय है हमारा वह है रिसर्च राइटिंग, साइटेशन, इंडेक्सिंग एंड इम्पैक्ट फैक्टर। इसके अंतर्गत जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वह शोध प्रकाशन के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक शोध प्रकाशन, एक रिसर्च पब्लिकेशन अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन माना जा सकता है, किस प्रकार से हम ये जानेंगे, हम ये जानेंगे कि साइटेशन, इंडेक्सिंग, DOI जैसे संप्रत्यय क्या होते हैं और हम किस प्रकार से इन संप्रत्ययों का उपयोग एक क्वालिटी इंडिकेटर के रूप में एक रिसर्चर के होने के नाते कर सकते हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो विभिन्न संप्रत्यय हैं क्वालिटी इंडिकेटर से रिलेटेड, उन सभी इंडिकेटर्स को किस प्रकार से आप देख सकते हैं या आप अपना किस प्रकार से एक अकाउंट बनाकर उस अकाउंट के माध्यम से आप अपने साइटेशन, अपने इंडेक्स, अपने I10, अपने जितने भी इंडेक्सेज हैं उनको आप देख सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास आज के सत्र में करेंगे कि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, कि हम किस प्रकार या किस तरीके के रिसर्च जर्नल्स में अपने पब्लिकेशंस कराएं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि कोई भी शोध प्रकाशन या हम कहें कि कोई भी शोध कार्य करना और उसको प्रभावी तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, सही मेथोडोलॉजी का उपयोग करना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होता है कि आप उसे सही लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि रिसर्च की क्यों जाती है? रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि हम अपने अनुसंधान से, अपनी रिसर्च से समाज को एक नई दृष्टि प्रदान कर सकें। और यदि आपकी रिसर्च सही लोगों तक या सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी रिसर्च का पर्पज पूरा नहीं होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि आपकी जो रिसर्च है वो सही कम्युनिटी तक पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे, साथ ही उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को उस रिसर्च की आवश्यकता है। तो जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च पब्लिकेशन का पूरा जो इफेक्टिवनेस है वो उसके इम्पैक्ट से पता चलती है। इम्पैक्ट किस तरीके का इम्पैक्ट? कि जो आपका पब्लिकेशन है या जो आपकी रिसर्च है उसे उस कम्युनिटी में, कौन सी कम्युनिटी, क्योंकि हम रिसर्चर हैं, हम एक ऐसा समूह हैं जहां हम इंटरेक्ट करते हैं एकेडमिक चीजों को, तो उस कम्युनिटी तक आपकी पहुंच हो, जो कम्युनिटी आपके अनुसंधान को रीड करेगी, आपके अनुसंधान पर, आपकी रिसर्च पर डिस्कस करेगी, आपकी रिसर्च को यूज करेगी अपने अनुसंधानों में या भावी अनुसंधानों में, साथ ही आपके अनुसंधान को वो डिसेमिनेट करेगी उन व्यक्तियों के तक जिन व्यक्तियों को उस रिसर्च की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी शोध प्रकाशन या रिसर्च पब्लिकेशन तभी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएगा तब उसे सही ऑडियंस मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही लोगों तक उसकी पहुंच हो। अब हम जब बात करते हैं कि हम कैसे माने या कैसे जाने कि कौन सा शोध प्रकाशन ज्यादा महत्वपूर्ण है या कौन सा शोध प्रकाशन अच्छा है, कौन सा शोध प्रकाशन उतना अच्छा नहीं है, या हमें किन आधारों पर एक शोध रिसर्च पब्लिकेशन के अच्छाई या उसके अपनी कम्युनिटी में एक सही जगह या सही स्थान पर होने की हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चार तरीके के आधार हैं, चार बेसिस हैं। पहला बेस है जर्नल लेवल मैट्रिक्स का, दूसरा बेस है आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स का,
तीसरा बेस जो है वह है ऑथर लेवल मैट्रिक्स का, और चौथा जो आधार है वह कंपैरेटिवली काफी नया आधार है जिसको हम एल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो जनरल लेवल मैट्रिक्स क्या होती है ये जानना पहले आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई शोध पत्र लिखते हैं तो हमेशा आप इस आशा में रहते हैं कि आपका शोध सही जर्नल में या सही शोध पत्रिका में प्रकाशित हो। तो इसके लिए कुछ आधार हैं जिन आधारों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कुछ आधार हैं कि दो जो ऐसे मोस्ट रेपुटेड डेटाबेस हैं पूरे दुनिया में, वेब ऑफ साइंस जिसको हम क्लैरिवेट एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं वर्तमान में, पहले इसको हम थॉमसन रूटर के नाम से जानते थे, और दूसरा जो डेटाबेस है वह है स्कोपस। तो इन दोनों डेटाबेस में जितने भी शोध पत्र या जितने भी शोध पत्र कह रहा हूं जितने भी शोध पत्रिकाएं इन दोनों डेटाबेस में सम्मिलित हैं, इंक्लूडेड हैं, उनको उन जर्नल्स को हम प्रभावी या अच्छा जर्नल मानते हैं। वेब ऑफ साइंस या जिसको हम क्लैरिवेट एनालिटिक्स के नाम से अभी वर्तमान में जानते हैं वो तीन तरीके के साइटेशन इंडेक्स प्रोवाइड करता है। एक है साइंस साइटेशन इंडेक्स, जहां विज्ञान विषय के विभिन्न शोध पत्रिकाओं का इंडेक्सिंग होती है। दूसरा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, जहां पर सोशल साइंसेज के जर्नल्स की या सोशल साइंसेज की शोध पत्रिकाओं की इंडेक्सिंग होती है। और तीसरा जो कंपैरेटिवली नया है वह आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, जहां पर हम आर्ट और ह्यूमैनिटीज के जर्नल्स की इंडेक्सिंग कराते हैं। तो इस डेटाबेस में जितने भी शोध प्रकाशन या जितने भी जर्नल्स इंडेक्सेज हैं या इंक्लूडेड हैं उनको हम ये मानते हैं कि ये जो जर्नल हैं ये क्वालिटी के सारे पैरामीटर्स पूरे करते हैं। ये अपने आप में क्वालिटी का एक बेस है, एक आधार है। तो इसलिए इन डेटाबेस में इंक्लूडेड सभी जर्नल्स को हम अपने अपने शोध प्रकाशन के लिए चयन कर सकते हैं। दूसरा जो आधार है वह है, दूसरा जो डेटाबेस है वह है स्कोपस, या जो स्कोपस डेटाबेस है उसमें सभी विषयों के शोध पत्रों को हम सम्मिलित करते हैं, शोध पत्रिकाओं को हम सम्मिलित करते हैं। तो जब हम स्कोपस की बात करते हैं तो थोड़ा कंपैरेटिवली वेब ऑफ साइंस से ज्यादा वाइडली या ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि इसमें ज्यादा शोध पत्र और पत्रिकाएं इंडेक्स होती हैं स्कोपस में। तो ये जो दोनों डेटाबेस हैं, यदि कोई शोध पत्रिका इन दोनों डेटाबेस में इंक्लूडेड है तो उसको हम काफी हद तक मानते हैं कि वो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स पूर्ण करती है। दूसरा जो आधार जर्नल लेवल मैट्रिक्स के अंतर्गत हम बात करते हैं वो है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे जर्नल्स हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं कि वी आर हैविंग दिस मच ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, वी आर हैविंग दिस मच ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर इन एजुकेशन ओनली, दे आर हैविंग मोर देन 30, मोर देन 7, मोर देन 80, मोर देन 9 इम्पैक्ट फैक्टर। लेकिन जो एक्चुअल जो पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल है या जिसको हम कहते हैं कि वास्तव में यह सही इम्पैक्ट फैक्टर है, तो वो एक ही इम्पैक्ट फैक्टर होता है जिसे हम जर्नल्स साइटेशन रिपोर्ट यानी कि JCR में इंक्लूड हम मानते हैं, जो जिसको हम JCR के थ्रू प्राप्त करते हैं। इसे कौन देता है? यह एक जो एजेंसी जो मैंने अभी बताया था आपको, थॉमसन रूटर या वेब ऑफ साइंस या क्लैरिवेट एनालिटिक्स, है ना। तो ये तीनों जो एजेंसीज हैं, एक ही एजेंसी है, इसके तीन अलग अलग, जैसे एजेंसी वेब ऑफ साइंस है उसका प्लेटफॉर्म क्लैरिवेट एनालिटिक्स कहलाता है, और उसका जो आपका डेटाबेस है उसको हम यही मतलब साइटेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से
जो साइटेशन इन जो भी जनरल इंपैक्ट फैक्टर जेसीआर, जेसीआर मतलब जनरल साइटेशन रिपोर्ट के तहत हमें प्राप्त होता है, या वेब ऑफ साइंस के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, थॉमसन रूटर के माध्यम से प्राप्त होता है, उसी डेटाबेस, उसी इंपैक्ट फैक्टर को हम सही या सार्वभौमिक या एक्सेप्टेबल मानते हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत सारे शोध पत्र पत्रिकाओं में लिखे होते हैं कि SJIF, ये GIF, वो बहुत सारे एक्सेट्रा, लेकिन उन सभी उन इम्पैक्ट फैक्टर की वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है। यदि आप देखेंगे UGC का जब डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, जो प्रमोशन और आपके सिलेक्शन के लिए पूरी गाइडलाइन UGC की दी हुई है, उसमें जो टेबल दी हुई है, उस टेबल में आप देखेंगे सब नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह इम्पैक्ट फैक्टर ओनली काउंटेबल ऑफ थॉमसन रूटर। तो थॉमसन रूटर के द्वारा जो इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है, वह इम्पैक्ट फैक्टर काउंटेबल होता है। इसके अलावा स्कोपस के आधार पर भी, या स्कोपस बेस मैट्रिक्स भी होती है, जिसको हम साइट स्कोर के नाम से जानते हैं। एक तरीके का यह भी एक इम्पैक्ट फैक्टर है, पर क्योंकि स्कोपस अपना इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देता है, क्योंकि स्कोपस क्या करता है कि स्कोप इंडेक्स तो करता है जनरल्स को, लेकिन वो अपना इम्पैक्ट फैक्टर अलग से नहीं देता, पर साइट स्कोर के रूप में इम्पैक्ट वहां पर प्रेजेंट करता है। तो इसको साइट स्कोर के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो कंपैरेटिव कि पूरे साल में जितने भी डेटा, जितने भी रिसर्च उस प्रमुख उस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, उन सभी को कितना साइटेशन मिला है, और किस प्रकार से उस शोध पत्रिका की अपने फील्ड में कंपैरेटिव, है ना, कंपैरेटिव एक रेपुटेशन है। उदाहरण के लिए हम यदि एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के जितने भी जर्नल हैं, वो सारे क्या कंपैरेटिव उनका एनालिसिस है, कितना साइटेशन उन्हें मिला है, कितना इम्पैक्ट उनका है, कितना टोटल साइटेशन है, उसके आधार पर वहां पर कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है स्कोपस डेटाबेस पर। अच्छा, अब ये तो बात हमने कर ली कि इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ एक ही काउंटेबल है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे जर्नल्स हैं, अलग अलग तरीके से वो इम्पैक्ट प्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करें, हमें जानने की जरूरत होती है कि इम्पैक्ट काउंट कैसे होता है। इसके लिए सीधा सा एक उपाय है, या एक सीधा सा फॉर्मूला है, कि टोटल नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड इन टू प्रिसीडिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ दैट जर्नल। तो ये एक रेशियो है कि उदाहरण के लिए एक शोध पत्रिका है, उसमें 20 पेपर पब्लिश हुए और टोटल 40 साइटेशन उसे मिले पिछले 2 सालों में, तो 40 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा 2। और वो भी कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर, क्लैरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा दिया गया, जिसको हम JCR जनरल साइटेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोपस बेस मैट्रिक्स की। तो और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, एक शोधार्थी होने के नाते आपको सिर्फ ये जानना की आवश्यकता है कि जैसे सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन, और सिमागो जर्नल रैंक जिसको हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उस जर्नल की एक कंपैरेटिव प्लेस है अपने फील्ड में। जैसे कि आप देखेंगे कि हर विषय अपना यूनिकनेस लिए होता है, हर विषय अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे हमने बात की एजुकेशन की, तो एजुकेशन के जो इम्पैक्ट हैं, एजुकेशन का जो प्रभाव है, वह कंपैरेटिवली साइंसेज के जर्नल से कम होता है ना। इसी तरीके से यदि हम साइंसेज में बात करें, तो साइंस में भी अलग अलग फील्ड हैं। उदाहरण के लिए एक ही विषय हम ले लें, केमिस्ट्री ले लें, तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीन क्षेत्र हो सकते हैं, और तीनों के अलग अलग स्पेसिफिक रिसर्च पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि तीनों अलग अलग हैं, है ना, तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के विषय एक ही है। विषय क्या है, विषय केमिस्ट्री है, रसायन है, रसायन विज्ञान है, लेकिन आप यहां देखेंगे कि
तीनों फील्ड के जर्नल्स के जो इम्पैक्ट फैक्टर हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर डिफरेंट होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक के जर्नल्स का कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होता है, इनऑर्गेनिक का थोड़ा कम होता है, और जब फिजिकल की बात करते हैं तो उसका थोड़ा कम होता है। एक जनरल कंडीशन बता रहा हूँ, जनरलाइज ना करें आप इस चीज़ को, कभी कहें कि मैंने कहा था कि ऐसा होता ही है, पर एक जनरल कंडीशन है। ये विषय की भूमिका पर निर्भर करता है, यह विषय पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उस विषय की रीच क्या है, या उस विषय को का एग्जीक्यूशन किस लेवल तक हो रहा है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां साइटेशन होना या रीयूजेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। अब मान लिया इंग्लिश है ना, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा में कोई शोध पत्र आप लिखेंगे तो उसको ज्यादा रिप्रोड्यूस या री रिसर्च दोबारा से लोग उसको साइट नहीं इतना ज्यादा करेंगे, क्योंकि भाषा में एक थोड़ा सा इशू है, उतना ज्यादा इफेक्ट उस कम्युनिटी पे या उतना ज्यादा है उसका इफेक्ट उस कम्युनिटी पे नहीं होता जितना कि साइंसेज का होता है। और साइंसेज में भी कुछ ऐसी साइंसेज हैं जैसे मेडिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो ऐसे विषय जिनका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उसके साइटेशन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। तो ये बात हमने की कि जो जनरल लेवल सेट मैट्रिक्स हैं, तो आप कैसा जनरल सेलेक्ट करें, कौन सी शोध पत्रिका आप चयन करें ताकि उसमें आप पेपर का अपने पेपर को पब्लिश कराएं। तो पहला सिंपल आधार यही है, यदि आपको मिलता है तो आप स्कोपस और था आपके जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स है उसमें साइट होने वाले, उसमें इंडेक्स होने वाले, उसमें एब्स्ट्रैक्टिंग होने वाले किसी भी शोध पत्रिका में आप शोध पत्र का प्रकाशन कर सकते हैं। दूसरा जो आधार है गुणवत्ता का वह है आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स, यानी कि उस लेख से संबंधित मैट्रिक्स जो लेख प्रकाशित हुआ है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या होता क्या है, ये है कि हाउ मेनी टाइम्स योर आर्टिकल वाज साइटेड बाय अदर जर्नल्स एंड व्हाट इज द ट्रैकिंग इन दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऑफ योर पब्लिकेशन, है ना, एंड व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर साइटेड पेपर, यानी कि जो आपका पेपर है उसका जो साइट हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, किन किन फील्ड में हो रहा है, कितने लोग उसको साइट कर रहे हैं और उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इन आधारों पर हम आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करते हैं। जो ऑथर लेवल मैट्रिक्स है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक रिसर्चर के लिए, एक शोधार्थी के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडेक्सेस हैं वो हम ऑथर लेवल मैट्रिक्स से हमें मिलते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें है सबसे पहले है एच इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एच। इसको रॉबर्ट ई हिरिच के द्वारा 2005 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें क्या होता है, एच इंडेक्स में होता क्या है, एच इंडेक्स में यदि हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि योर पब्लिकेशन हैविंग एटलीस्ट, योर एच पब्लिकेशन इज हैविंग एटलीस्ट एच साइटेशन। इट मीन्स योर इफ यू आर हैविंग नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड योर एच पब्लिकेशंस आर हैविंग एच नंबर ऑफ साइटेशन दैट विल बी योर एच इंडेक्स। क्या मतलब है इसका, कि आपके जो पब्लिकेशन, उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, आपके 100 पब्लिकेशंस हैं, 100 शोध पत्र हैं आपके, उन 100 शोध पत्रों में आपके जो 30 शोध पत्र हैं उनमें उनको जो साइटेशन मिला है वो कम से कम 30 या उससे अधिक मिला है, तो आपका एच इंडेक्स क्या होगा, 30 होगा। लेकिन आपके ऐसे पब्लिकेशन जो 25 हैं तो उनको 25 या उससे ज्यादा साइटेशन मिला हुआ है, 25 पब्लिकेशन को, तो वो आपका एच इंडेक्स क्या होगा, 25 होगा, 25 होगा। सिंपली यदि हम देखें या कैलकुलेट करने का प्रयास करें कि टोटल नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, और एक जो एवरेज निकल के आता है दैट एवरेज एंड ऑल द पेपर्स हैविंग मोर देन दैट एवरेज साइटेशन काउंटेड अंडर एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स का दूसरा तरीका भी है, यदि एक तरफ आप अपने पेपर को लिस्ट कर दें, दूसरी तरफ आप साइटेशंस को लिस्ट कर दें, जब आपका पेपर का नंबर और साइटेशन का नंबर सेम सिमिलर या साइटेशन पेपर के नंबर से ज्यादा हो जाएगा
कम हो जाएगा, सॉरी, उसके ऊपर के सभी नंबर आपका साइटेशन होता है। इसके अंतर्गत दूसरा जो इंडेक्स है वह भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, जिसको हम I10 कहते हैं। I10 क्या है कि आपके कितने पब्लिकेशंस कम से कम 10 साइटेशन वाले हैं, कम से कम 10 लोगों के द्वारा उनको साइट किया गया है, ऐसे नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपके I10 के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो जितने आपका I10 है, इट मींस उतने ही आप, जितने आपके 10 नंबर के 10 से ज्यादा साइटेड पेपर हैं वो आपके I10 के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इसके अंतर्गत एक साइट इंडेक्स है वह है टोटल साइटेशन, इट मींस आपके कितने टोटल साइटेशंस हैं, कितने साइटेशन आपके कुल हैं, वह जानना टोटल साइटेशन के अंतर्गत आता है कि आपके कितने पेपर्स हैं और वो कितने नंबर ऑफ साइटेशंस आपके वहां पर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीन प्रमुख साइटेशन इंडेक्सेस हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं एक रिसर्चर की क्वालिटी को जानने के लिए कि उसका पब्लिकेशन कितना इफेक्टिव है, किस प्रकार से वह समाज में अपने पब्लिकेशन के माध्यम से योगदान दे पा रहा है या उसके उस फील्ड में कितने लोग उसको साइट कर रहे हैं। इसमें एक दूसरा साइटेशन अकाउंट भी होता है एच इंडेक्स के से जैसा ही, क्योंकि एच इंडेक्स क्या है, एक नंबर ऑफ साइटेशन तो बताता है लेकिन वह ये नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर रिसर्चर का क्या इंपैक्ट एक टाइम पीरियड में रहा है। तो उसके लिए आजकल एक नए साइटेशन इंडेक्स की गणना की जाने लगी है जिसको हम एम इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वह क्या है, एच डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जितना आपका एच है कितने सालों में उस एच को आपने ऑक्यूपाई किया है। उदाहरण के लिए आपका एच इंडेक्स है 20 और आप पिछले 5 साल से रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपका एम इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा। तो इस प्रकार से जो शोधार्थी से संबंधित इंडेक्सेस हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक रिसर्चर को एस्टैब्लिश करने में कि वो कितना प्रभावी है इस फील्ड में। जब तो तीन प्रकार की हम इंडेक्सेस को स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जाने कैसे, आप कैसे पता लगाएं कि आपके कितने इंडेक्सेस हैं या किस प्रकार से आपके जो पब्लिकेशंस हैं वो पब्लिकेशन को कितना साइटेशन मिल रहा है इस फील्ड में। उसके लिए आवश्यक ये है कि आप लोग, यदि आप लोग अभी भी अवेलेबल हैं गूगल पर, तो आप चाहें तो गूगल में गूगल स्कॉलर आप टाइप करिए। गूगल स्कॉलर आप टाइप करके चाहें तो आप स्टेप्स नोट कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर आप टाइप करिए गूगल में। गूगल स्कॉलर जब आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा तब उसके ऊपर एक लिखा होता है माई साइटेशन या माई प्रोफाइल, वहां जाकर आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले प्रोफाइल के मुकाबले काफी इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको अपना नाम स्पष्ट रूप से बताना होता है, आपका फील्ड क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन ईमेल आईडी क्या है, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन देकर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक अकाउंट गूगल स्कॉलर पर बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार इशू आता है कई बार कि यदि आपके पब्लिकेशंस ऑनलाइन नहीं है तो आप क्या करते हैं कि आपके पब्लिकेशन वहां अपने आप शो नहीं होते हैं, क्योंकि गूगल स्कॉलर उन सभी पब्लिकेशंस को ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में ले लेता है जो पब्लिकेशंस कहीं ना कहीं इंडेक्स या साइट हो रहे हैं। वो सारे पब्लिकेशन जो कहीं ना कहीं साइट हो रहे हैं या इंडेक्स हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में वो ऐड करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यदि आपके पब्लिकेशन ऑनलाइन नहीं है, साइटेड नहीं है, इंडेक्स नहीं है, तो वहां पर आपको ऑफलाइन अपने पब्लिकेशंस को ऐड करना होता है। उसके लिए कुछ नहीं, जब आपका प्रोफाइल बन जाता है तो उस प्रोफाइल में एक ऐड बटन होता है, आप ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद में मैनुअली
आपकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, आपकी बुक्स, आपके जर्नल्स या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके पब्लिकेशंस हैं, उनको आप मैनुअली भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर यदि आपको साइटेशन मिलेगा उनका, तो वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में गूगल स्कॉलर पर वो सारी कैलकुलेशंस अवेलेबल होती हैं जिनको जिनके बारे में मैंने अभी आपको बात की है कि टोटल आपका क्या साइटेशन है, टोटल I10 क्या है, टोटल इम्पैक्ट क्या है, वो सारी साइड कैलकुलेशंस वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इसके लिए दूसरा सोर्स भी है, यदि आपके पास स्कोपस है, यदि आपके पास स्कोपस है तो स्कोपस में भी आप एच इंडेक्स को अपने काउंट कर सकते हैं। वहां पर भी आपका अकाउंट बनाया जाता है, आप अपना अकाउंट बनाकर ये सारी कैलकुलेशन, आपके कितने साइट स्कोर हैं, आपके कितने इंडेक्सेस हैं, ये सारे साइट स्कोर्स आप वहां पर पता कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका कोई प्रश्न होगा इसके संबंध में तो आप अंत में पूछ सकते हैं। तो अब एक हमने एक बात की थी कि एलमैट्रिक्स, एक नई टर्मिनोलॉजी हम यूज करने लगे हैं जिसको हम एलमैट्रिक्स कहते हैं। एलमैट्रिक्स क्या है? हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज डाउनलोडेड, व्हाट इज, हु इज रीडिंग योर वर्क एंड, और सोशल मीडिया में आपका जो पब्लिकेशन है उसकी क्या आउटरीच है। जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम एलमैट्रिक्स के अंतर्गत रखते हैं। आजकल काफी ये कॉम्बिनेशन या काफी ये जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि रिसर्च गेट है या और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम एकेडमिक इंटरेक्शंस करते हैं, वहां पर आपके उन इंटरेक्शंस के आधार पर, उन डिस्कशन के आधार पर आपको एक रैंकिंग भी मिलती है। तो उस प्लेटफॉर्म पर आप किस तरीके से, आप किस प्रकार से आपके पब्लिकेशन की आउटरीच है, आप किस प्रकार से वहां पर अपने पब्लिकेशंस को पाते हैं, ये सब एलमैट्रिक्स के अंतर्गत काउंट होता है। अब हमने ये चर्चा की कि साइटेशन क्या होता है, I10 क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। इन सारी चर्चाओं के बाद में ये हमने बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि साइटेशन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के रूप में है। तो साइटेशन होता क्या है? साइटेशन की जब हम बात करते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं साइटेशन के, कि एक तो जो भी हम, वट एवर वी आर साइटिंग इन आर रिसर्च, जो हम अपनी रिसर्च में साइट करते हैं, और जो हमारी रिसर्च से दूसरे लोग साइट करते हैं, दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। हम जो साइट करते हैं, है ना, हम जो साइट करते हैं वो हमारी पब्लिकेशन की क्वालिटी को बताता है, गुणवत्ता को बताता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जितना ज्यादा इंटेक्स साइटेशन होगा, जितना ज्यादा आपके पब्लिकेशंस में रिसर्च सपोर्ट होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आपका रिसर्च पब्लिकेशन होगा। तो मैक्सिमम साइटेशन जितना आपका होगा, जितना रिसर्च सपोर्ट आपको मिला है, जितना आपने पब्लिकेशन के लिए किया है, वो सारा इंटेक्स साइटेशन के नाम से हम जानते हैं, उसको हम प्रॉपरली रेफर करते हैं। साथ ही रेफर करने के लिए भी आपको प्रॉपरली अपने विषय के अनुसार, अपने फील्ड के अनुसार आप साइटेशन अकाउंट का चयन कर, अपने स्टाइल का चयन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन एजुकेशन बेसिकली वी आर यूजिंग APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है, और उसमें भी जो 7th एडिशन है, रिसेंटली हम अभी अपडेट हुआ है, उसको हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो साइट कर रहे हैं वो हमारी पब्लिकेशन की, वो हमारे रिसर्च की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और जितना हम साइट करेंगे उतनी हमारा एनरिच होगा कंटेंट। साथ ही जब आपका पब्लिक डोमेन में पेपर आएगा, वो पब्लिक डोमेन में पब्लिकेशन आपका जब उसे दूसरे लोग साइट करेंगे, तो आपके जितने भी इंडेक्सेज हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, साइटेशन इंडेक्सेज, इंपैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, I10, वो सारे के सारे इंडेक्सेज आपको फिर पब्लिक डोमेन में जब आपका पेपर आएगा तब आपको काउंट होंगे।
तो जो आप साइट करते हैं अपनी रिसर्च को एनरिच करने के लिए, जो आपकी रिसर्च के आधार पर अन्य व्यक्ति व्यक्ति साइट करते हैं आपकी, ताकि वो आपकी रिसर्च की रीच बढ़ सके, आपकी रिसर्च उस ऑडियंस तक पहुंच सके जिस ऑडियंस के लिए बेसिकली आपने वो रिसर्च की है। तो इसके लिए हम साइटेशन की बात करते हैं, ये हमारा साइटेशन होता है और हम उसके लिए प्रॉपर साइटेशन प्रोसीजर का फॉलो करते हैं। जैसे एजुकेशन में ये डिपेंड भी करता है, रिसर्च जर्नल पर भी ये डिपेंड करता है कि शोध प्रकाशन कौन सा शोध पब्लिकेशन है वो किस फॉर्मेट को फॉलो करता है। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन के जर्नल भी हैं जो किसी अन्य फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, हो सकता है वो एमएलए फॉर्मेट को फॉलो करते हों या किसी दूसरे अन्य फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो इसलिए यह एक हमेशा डाउट का एक माध्यम रहता है कि किस तरीके से हम, पहले हमें देखना यही है कि अपने विषय में किस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है और उस शोध पत्रिका में, जिस शोध पत्रिका में आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं, उस शोध पत्रिका में किस फॉर्मेट का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने साइटेशन का पता लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कितने साइटेशंस आपको मिले हैं और कितने इंडेक्सेज आपके पेपर को मिलते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप साइटेशन करते हैं तो कई बार बहुत तरीका होता है कि किस तरीके से हम लिखें, या कई बार डिफिकल्ट होता है गूगल से हम कोई भी डॉक्यूमेंट निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो सबसे बढ़िया यह भी एक तरीका है कि आप जो सर्च करें, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट सर्च करें, वो गूगल स्कॉलर से सर्च करें। क्यों? क्योंकि गूगल स्कॉलर से जो आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो आपको अपने विषय से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, और वहां पर जब आप सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो आपने सर्च किया है पब्लिकेशन, उसमें एक नीचे कुछ कुछ चीजें दी हुई होती हैं, जिसमें एक स्टार दिया होता है, आपके लाइक जिनको आप ये देखते हैं कि ये हमारे फील्ड का है, ये मेरे लिए अच्छा है। दूसरा एक इन्वर्टेड कोमा दिया होता है सेकंड नंबर पर, आप जब उस इन्वर्टेड कोमा को क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे तरीकों में उस पर्टिकुलर रिसर्च पब्लिकेशन को साइट करने का जो तरीका है वो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली स्पष्ट रूप से आपके सम्मुख आ जाता है। तो एमएलए में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड या फिर दूसरा कोई तरीका, तो वो सारे तरीके ऑटोमेटिकली गूगल स्कॉलर बता देता है। तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करते हैं तो बड़ा इजी रहता है यह जानना कि किस प्रकार से आप उसको साइट करें। जस्ट क्लिक ऑन द इन्वर्टेड कॉमा, वहां आपके सारे साइट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उसको कॉपी करिए और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लीजिए, तो एक इजी प्रोसीजर हो जाता है। दूसरा एक जो कंसेप्ट है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि जब भी आप पब्लिकेशन कराएं तो दो तरीके होते हैं पब्लिकेशन के, ओपन एक्सेस और क्लोज एक्सेस। तो एक रिसर्चर होने के नाते आपकी कंडीशंस ये होती हैं कि आप किस एक्सेस को सेलेक्ट करें अपने रिसर्च के लिए। तो जो ओपन एक्सेस है उसका तात्पर्य यह होता है कि आप का जो पब्लिकेशन होगा वो ओपनली अवेलेबल होगा, कोई भी व्यक्ति जिसे चाहत है वो अपने रिसर्च को, आपकी रिसर्च से साइट कर सकता है, उसको आप अपने जर्नल में, अपने पेपर में स्थान दे सकता है ना। तो इस तरीके से ओपन एक्सेस जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जो जो ओपन एक्सेस जर्नल है उनसे आपकी रीच बढ़ती है। तो इसलिए आप ओपन एक्सेस जर्नल्स को सेलेक्ट करें अपने पब्लिकेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि क्लोज एक्सेस में जो सामने वाला रिसर्चर यदि आपके पब्लिकेशन से रेफरेंस लेना चाहेगा तो उसको पे करना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा, तो उन व्यक्तियों तक उसकी रीच नहीं पहुंचेगी उस पब्लिकेशन की जिन तक पहुंचनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि ओपन एक्सेस जर्नल में। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न भी आता है कई बार कि ओपन एक्सेस जर्नल में जब हम पब्लिश करते हैं, दो तरीके के ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं, एक तो ऐसा जो सब्सक्रिप्शन आपसे डिमांड करता है, और दूसरे ओपन एक्सेस जर्नल ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन डिमांड नहीं करते।
तो आप प्रयास यह करें कि जो सब्सक्रिप्शन डिमांड नहीं करते उन जर्नल्स को सर्च करें, क्योंकि जो ज्यादातर ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं वो आपसे पब्लिकेशन फी या चार्जेस की डिमांड करते हैं। हालांकि ये लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे स्कोपस जर्नल्स जो हैं, मैं अभी बाद में एंड में डिस्कस भी करने वाला हूं कि यूजीसी का जो केयर पोर्टल है उसमें आप किस तरीके से सर्च करें और किस तरीके से आप अपने पब्लिकेशंस के लिए अच्छे जर्नल की तलाश करें। तो इसलिए आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए या जो कोशिश करनी चाहिए कि ओपन एक्सेस जर्नल्स में ही अपनी पब्लिकेशंस कराएं। क्लोज एक्सेस में कराने का यही नुकसान होता है कि आपको आउटरीच नहीं मिलेगी। आप जब गूगल स्कॉलर पे देखते हैं तो एक मैट्रिक्स भी वहां पर अवेलेबल होती है। मैट्रिक्स क्या, वह क्या मैट्रिक्स है? वह एक कंपैरेटिवली एच इंडेक्स और H5 यानी कि लास्ट 5 ईयर में क्या एच मिला है उसको, उस पब्लिकेशन को, उसके आधार पर एक कंपैरेटिव वहां पर एक लिस्ट मिली होती है, उसके आधार पर भी आप जर्नल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कैटेगरी वाइज, आपका साइंस यदि फील्ड है तो साइंस में आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के जर्नल्स को सर्च करना चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर में ही आप मैट्रिक्स पर जब क्लिक करते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां आपको सारे जर्नल्स जो साइंसेज के हैं और जिनका कंपैरेटिवली डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सारे जर्नल्स आपको मिल जाएंगे। अब यदि अभी भी आप हैं ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपको नेचर नाम का जर्नल मिलेगा, जो सभी लोग जानते ही हैं कि बड़ा इफेक्टिव और अच्छा जर्नल माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि कुछ और जो फैक्टर्स हैं, जैसे DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI होता क्या है? आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर DOI नंबर देते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी कि आपका जो पब्लिकेशन है उसमें एक लिस्टेड होता है DOI नंबर। तो जो DOI है क्या? DOI एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, जिस सीरीज में हम ये करते हैं कि वो जो पब्लिकेशन है आपके उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम DOI करता है। तो जो यूनिक आइडेंटिटी है उसके आधार पर उस पब्लिकेशन को कहीं पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उसको एक कहेंगे कि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसकी अपने आप में एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी DOI से मिलती है। तो ये ध्यान रखें कि जिस पब्लिकेशन में, जिस जर्नल में, हालांकि जितने भी अच्छे रेपुटेड जर्नल्स हैं वो DOI सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम उनके हर पब्लिकेशन को और उस जर्नल को DOI मिल रहा हो। ठीक है, अब है कुछ आधार। अब हम बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की। भारतीय परिस्थितियों में आप देखोगे कि पिछले कुछ समय से काफी चेंजेस आए हैं। 2018 में UGC एक लिस्ट के साथ आई। उस लिस्ट में क्या हुआ? उसमें 3 डेटाबेस, जो कि स्कोपस आपका, वेब ऑफ साइंस WOS के नाम से, और ICI, इन 3 डेटाबेस में जितने भी जर्नल लिस्टेड थे उन सभी जर्नल्स को एक लिस्ट के रूप में UGC ने बताया कि ये सारे जर्नल्स हैं जो कि जिनको हम UGC लिस्ट के नाम से जानते हैं, या इसमें पब्लिकेशन कराने पर ही आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। दूसरा जो तरीका था, उन्होंने बताया कि धीरे धीरे फिर यूनिवर्सिटीज को ऑटोनोमी दी गई 2018 में ही, कि यूनिवर्सिटीज भी अपने जर्नल्स रिकमेंड कर सकती हैं। तो यूनिवर्सिटीज ने भी, सबने अपने जर्नल रिकमेंड किए और UGC में एक प्रॉपर एक पूरा डेटाबेस बनाया गया, जो कि उसको हमने कहा कि ये सारे UGC लिस्टेड जर्नल्स हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज ने जर्नल्स को रिकमेंड करना शुरू किया तो क्या हुआ, वो सभी जर्नल्स रिकमेंड किए जाने लगे जिसमें हम लोगों के पब्लिकेशंस हुए थे, है ना? एक एकेडमिक कम्युनिटी के जो पब्लिकेशंस हुए वही तो हम लोग रिकमेंड करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि जहां से हमने शुरुआत की थी कि हम अच्छे पब्लिकेशंस को ही आगे बढ़ाएं या एक लिस्ट हमारे पास हो जहां क्वालिटी पब्लिकेशंस हमें मिले, वह वही लिस्ट बन के रह गई जिसमें हम लोगों के पब्लिकेशंस हुए थे या जिनमें हम लोग यूजुअली पब्लिश कराते रहते हैं। तो इसके समाधान के लिए फिर दोबारा से UGC ने
एक पोर्टल क्रिएट किया जिसका नाम था यूजीसी, या है सॉरी यूजीसी कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इथिक्स। इसका नोडल एजेंसी पुणे यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। तो जितने भी पब्लिकेशन, जितने भी रिसर्च जर्नल यूजीसी केयर में लिस्टेड हैं, उन जर्नल्स को अच्छे या मान्य जर्नल्स माना जाता है। आप यदि पब्लिकेशन कराने की सोच रहे हैं तो आप यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन कराइए, कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इथिक्स। तो ऐसे कौन से जर्नल हैं जो यूजीसी केयर लिस्ट में लिस्टेड हैं? आप देखोगे, यदि आप सर्च करोगे तो देखोगे बहुत कम जर्नल। जैसे एजुकेशन की मैं बात करूं तो अराउंड 30 या 34 जर्नल्स हैं, 28 to 34 के बीच में कोई रेंज है, इतने जर्नल्स ही लिस्टेड हैं यूजीसी केयर में एजुकेशन के फील्ड के। तो ऐसा नहीं है, वो लिमिटेशन नहीं है, वो जर्नल्स कौन से हैं? वो जर्नल्स हैं जो कि यूजीसी केयर के प्रोटोकॉल पर, है ना, जो यूजीसी ने एक प्रोटोकॉल बनाया है उसके तहत वो क्वालिफाई माने गए हैं, है ना, और बेसिकली वो इंडियन जर्नल्स हैं। तो जो यूजीसी केयर की फर्स्ट लिस्ट है, या लिस्ट वन या ग्रुप वन है, उसमें वो सारे जर्नल इंक्लूडेड हैं जो जर्नल्स दोज फाउंड क्वालिफाइड थ्रू यूजीसी केयर प्रोटोकॉल। यानी कि जो एक प्रोटोकॉल यूजीसी ने दिया है केयर ने, कि ये चीजें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है कोई जर्नल तो उसको हम अपने पोर्टल में सम्मिलित कर लेंगे। तो उन प्रोटोकॉल को पूरा करने वाले समस्त जर्नल्स को हम यूजीसी केयर की जो फर्स्ट लिस्ट है या ग्रुप वन है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब यूजीसी केयर की जो ग्रुप टू या सेकंड लिस्ट है वो कौन सी है? वह वही लिस्ट है जो मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी। क्या? कि जो समस्त जर्नल आपके स्कोपस एवं क्लैरिवेट एनालिटिक्स ओब्लिक वेब ऑफ साइंस ओब्लिक थॉमसन रूटर में लिस्टेड हैं। तो इन सारे जर्नल्स को यूजीसी के केयर लिस्ट सेकंड में स्थान दिया गया है। यहां पर भी एक बड़ा इशू आता है कई बार, क्योंकि थॉमसन रूटर स्कोपस या किसी भी अन्य डेटाबेस में जो जर्नल्स की लिस्ट है वो डायनामिक होती है, वो चेंज होती रहती है। कंटिन्यू रहना या डिसकंटिन्यू होना अपने आप में उस लिस्ट में मौजूद रहता है। तो आप हमेशा उस अपडेटेड लिस्ट को देखते रहें कि कोई पर्टिकुलर जर्नल वर्तमान में किस स्थिति में उस लिस्ट से जुड़ा हुआ है। यदि वह अभी स्टिल कंटिन्यू है तो उसी को आप मान के चलिए, है ना, उसी को आप मान के चलिए। और यदि वो डिसकंटिन्यू हो गया, और कब से डिसकंटिन्यू हुआ है ये भी एक बार देख लीजिए। अभी मैं बहुत सारे ईमेल्स भी देखता हूँ, मेरे पास भी आते रहते हैं, आप लोगों के पास भी आते रहते होंगे, कि पब्लिश योर पेपर इन यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स, फ्री पब्लिकेशन, वेरी लेस कंट्रीब्यूशन, एंड पब्लिश योर पेपर इमिडिएटली इन थॉमसन रूटर स्कोपस जर्नल्स। असल में इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा एक ऐसा विषय आ चुका है कि बहुत सारे फेक जर्नल्स भी जो हैं इस फील्ड में अवेलेबल हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उस लिस्ट में, है ना, उस लिस्ट में जो जर्नल्स हैं उनसे जरूर एक बार मैच कर लीजिए, क्या वह पर्टिकुलर जर्नल उस लिस्ट में है या नहीं है। तो यदि है तभी उस लिस्ट को आप रिफर करिए, ठीक है? तो यूजीसी के लिस्ट की हमने बात की, दो पोर्टल हैं, के लिस्ट वन जिसमें सारे जर्नल जो कि प्रोटोकॉल के तहत हमने सम्मिलित किए हैं, और दूसरा यूजीसी लिस्ट सेकंड जिसमें सारे ग्लोबली रजिस्टर जो रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस हैं, खासकर थॉमसन रूटर और स्कोपस, उसमें सम्मिलित सभी जर्नल्स को हमने इसमें यूजीसी के लिस्ट ग्रुप टू में स्थान दिया हुआ है। तो आगे से जब भी आप पब्लिकेशन करें तो इस लिस्ट को जरूर रेफर करें। अब यह है कि व्हाट टू सी इन अ जर्नल, जर्नल में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए यदि हम पब्लिकेशन करने की सोच रहे हैं। तो यहां पर भी स्टेप्स है,
रिसर्चर होने के नाते जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो ही करो, कुछ स्टेप्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो भी सफिशियंट है। उस पर्टिकुलर जर्नल को ISSN दिया हो, पीयर रिव्यूड हो वो जर्नल, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, है ना, उसका इंडेक्सिंग कहीं ना कहीं हो रहा हो, DOI उसे दिया हुआ हो, DOI हो उस जर्नल में, उस स्कोपस में उस जर्नल को इंडेक्स किया हुआ हो। थॉमसन रूटर अगले स्टेप पर आता है, उसमें थोड़े कम जर्नल इंडेक्सेस होते हैं, और फाइनली JCR के तहत इम्पैक्ट फैक्टर उस जर्नल को मिला हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए यदि हम किसी पर्टिकुलर जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो या नहीं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने ये तो देखा कि हमें कहाँ पब्लिश कराना है, किस प्रकार से पब्लिश कराना है, लेकिन ये पब्लिकेशन का जो फील्ड है उतना इजी भी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहाँ जिनसे आपको ये देखना होता है, जैसे एक हम बात यदि हम थिंक करें, क्रिटिकली थिंक करें इस पब्लिकेशन फील्ड की, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इज इट कॉम्प्रिहेंसिव। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज डेटाबेस हैं उसमें कुल मिलाकर जितने भी साइंटिफिक पब्लिकेशन हैं उनके सिर्फ 3-5% जर्नल ही उन ग्लोबली रिकॉग्नाइज डेटाबेस में इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए ये बड़ा इशू आता है कि क्या उनको हम सिर्फ 5% जर्नलों पर ही हम फोकस करें। दूसरी बात यह है कि सभी प्रकार के आर्टिकल्स या सभी प्रकार के जर्नल्स एक ही फील्ड पर हम रखें, वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिव्यू आर्टिकल की आप बात करें ज्यादा साइटेशन मिलता है, केस स्टडीज की बात करें उनको साइटेशन इतना नहीं मिलता है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर जो जनरलाइजेशन है वो एक लिमिटेड कम्युनिटी तक होता है, उससे बियॉन्ड हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए सब्जेक्ट का भी है, अब हिस्ट्री को आप इम्यूनोलॉजी से तो तुलना नहीं कर सकते, है ना, हिस्ट्री का अपना स्कोप है, इम्यूनोलॉजी का अपना स्कोप है। तो आप जब देखते हैं कि साथ ही यहाँ पर मैनिपुलेशंस ऑफ रैंकिंग का भी बड़ा कंसेप्ट है, सेल्फ साइटेशन को प्रमोट करना, यानी कि जर्नल अपने ही पेपर्स को साइटेशन को प्रमोट करे अपने उसी जर्नल में, हालांकि सेल्फ साइटेशन को अब काउंट नहीं किया जा रहा है, दूसरे जर्नल्स में लेकिन उसको साइटेशन करा लेते हैं वो लोग। और कुछ जर्नल्स जो है ज्यादा प्रिफर करते हैं रिव्यू आर्टिकल्स के पब्लिकेशन के लिए, क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि यदि रिव्यू आर्टिकल होंगे तो ज्यादा साइटेशन मिलेगा, तो इसलिए हमारे पब्लिकेशन का, हमारे रिसर्च, हमारे जर्नल की रीच जो है बढ़ेगी, है ना। और साथ ही बहुत सारे पब्लिकेशन अपने ही जर्नल के सेल्फ साइटेशन को भी प्रमोट करते हैं। मैथ्यू इफेक्ट का भी यहां पर कंसेप्ट आता है। मैथ्यू इफेक्ट क्या है कि जो द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, क्या मतलब है इसका कि इस फील्ड में भी एक ऐसा एक बन गया है एक टेंडेंसी कि कुछ ही रेपुटेड पब्लिकेशंस हैं जिनके जर्नल्स को ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं या जिनके जर्नल्स को हम मान के चलते हैं कि ये जर्नल्स ही अच्छे हैं, तो उनके ही, उसमें भी एक इशू ये है कि जो नॉन इंग्लिश जर्नल हैं, जो हिंदी भाषा के या मराठी या किसी अन्य भाषा के जर्नल हैं, उन जर्नल्स को वो स्कोप नहीं मिलता है। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि कुछ जो हमारे जर्नल्स हैं वो जर्नल्स जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि हर जर्नल को उतना इफेक्ट, उतना प्रमोशन नहीं मिलता, हर भाषा को उतना प्रमोशन नहीं मिलता, और जो नॉन इंग्लिश जर्नल्स हैं उनको उतनी रेपुटेशन उस फील्ड में नहीं मिलती है। अब हम भारतीय हैं, भारतीय भाषाओं में हमें लिखना ही है, हिंदी में भी लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करें, हमें जो आवश्यकता होती है कि हम अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन भी कराएं और वो उसको एक्सेप्ट भी किया जाए उस फील्ड में, तो उसके लिए जरूरत ये होती है कि आप UGC केयर पोर्टल को फॉलो करिए। UGC केयर पोर्टल पर जो भी लिस्टेड जर्नल्स हैं उन जर्नल्स को आप फॉलो करिए, तो आपको जो हिंदी भाषा के भी बहुत सारे जर्नल UGC केयर में लिस्टेड हैं, है ना, तो उस पोर्टल में आप देखेंगे तो हिंदी भाषा के बहुत सारे जर्नल आपको मिलेंगे।
अंग्रेजी भाषा के तो आपको लिस्ट टू में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी के लिए आपको यूजीसी केयर को रिफर करना ही होगा। तो इसलिए ये बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा इशू यह है कि धीरे धीरे जो ये साइटेशन का जो कंसेप्ट है या इम्पैक्ट फैक्टर का है, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है इस पर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसको इसको हम सेल्फ साइटेशन की, या आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप ही उसको साइट करने या अपने जर्नल को प्रमोट करने के लिए उस सारे प्रयास करने का जो हम प्रोसीजर करते हैं, उससे बचने के लिए आजकल अल्मेट्रिक्स जैसे कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि सोसाइटी किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। एक लेमैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस रिसर्च की आवश्यकता है, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके रिसर्च पर? क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च उस लेमैन तक नहीं पहुंचेगी, उस लास्ट इंडिविजुअल तक नहीं पहुंचेगी जिसके लिए वो रिसर्च हुई है, तब तक उस रिसर्च को कितने भी साइटेशन मिले, कितने भी इम्पैक्ट मिले, तब तक उस साइट रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उस इंडिविजुअल के लिए, उस सोसाइटी के लास्ट व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, यदि उस तक वो रिसर्च नहीं पहुंच रही है, तो हमारे रिसर्च का कोई पर्पस सोल्व नहीं होता। तो इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर, है ना, उस प्लेटफॉर्म पर जहां रीच बढ़े, है ना, उन लोगों तक पहुंच बढ़े जिन लोगों तक वास्तव में उस रिसर्च के पहुंचने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक रिसर्च प्रोफेसर हैं, आप रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपका उस पब्लिकेशन में बंद कर रह जाए रिसर्च, ऐसी रिसर्च पब्लिकेशन का कोई फायदा नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में उस रिसर्च को लाना, उस पब्लिकेशन को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उस रिसर्चर की है, जो रिसर्चर उस रिसर्च को अच्छे तरीके से करता है, अच्छे जर्नल में पब्लिश कराता है, साथ ही उसको उन व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की है, उन पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उन नीति निर्माताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उस रिसर्चर की है जो समाज में उस आपकी रिसर्च की वजह से चेंजेस लाएंगे या लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो फील्ड है रिसर्च पब्लिकेशन का, साइटेशन का, इंडेक्सिंग का, इंपैक्ट फैक्टर का, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। और उन इश्यूज को यदि हम वास्तव में डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्रिटिकली इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी भी हम उस परिस्थिति में हैं भारत में कि अभी भी ये साइटेशन इंडेक्स, एच इंडेक्स, आई टेन इंडेक्स इतने ज्यादा एक एकेडमिक कम्युनिटी होने के नाते हम लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन आप कंपेयर करो यदि वेस्टर्न कंट्रीज से या दूसरे देशों से, तो आप देखोगे कि वहां पर साइटेशन डेटा के आधार पर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। प्रमोशन है ना, टेन्योर आपका, यदि आपको कोई पर्टिकुलर टेन्योर दिया जा रहा है, आपका प्रमोशन है, आपको रिसर्च ग्रांट, उसके लिए भी आपके साइटेशन, आपके पब्लिकेशन के जो इंडेक्सेस हैं उनको देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी भी हम उस सेफ कंडीशन में हैं कि अभी भी हमारे यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट आपको लेना है, ग्रांट्स लेनी है, प्रमोशन लेना है, तो इनके लिए आपको ज्यादा कुछ या ज्यादा प्रयास की, उतने ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता इस सभी इंडेक्सेस के लिए नहीं होती है। लेकिन आप बाहर देखें या बाहर किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करें, आप देखेंगे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, तो उनके, मैंने कई जगह देखा यूरोपियन यूनियन का या कई प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा प्रोजेक्ट के लिए, तो वो डिमांड करते हैं कि आपके कितने साइटेशंस हैं, कितने एच इंडेक्स हैं, कितने पब्लिकेशंस आपके उन ग्लोबली रिकॉग्नाइज जर्नल्स में हैं। इवन आप देखोगे कि इंडिया में भी वो ट्रेडिशन, वो चलन अभी शुरू होने लगा है, डिमांड की जाने लगी है कि हाउ मेनी स्कोपस और थॉमसन रूटर पब्लिकेशन यू आर हैविंग, हाउ मेनी क्लेरियट एनालिटिक्स पब्लिकेशन यू आर हैविंग, तो वो भी लिस्ट आपको देनी होती है। तो इस तरीके से यदि हम जाने, प्रयास करें, तो आप इस फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आज ये नया है फील्ड, आज ये इंडेक्सेस नए हैं, लेकिन कल इन इंडेक्सेस के बारे में
बहुत हो सकता है चेंजेस आए, जैसे अभी यूजीसी अभी लिस्ट के साथ, यूजीसी केयर पोर्टल के साथ, या फिर आप कहें तो इसको पस या थॉमसन रूटर की लिस्ट के साथ अब हम लोगों के साथ सम्मुख उपस्थित हुई है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये सारे इंडेक्सेस इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिले। अब मैं इनवाइट करूंगा कि यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट्स हैं, जिन डाउट्स को आप क्लियर करना चाहते हैं इस फील्ड से संबंधित, तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन प्रश्नों का सही से या आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूं। अश्विनी मिश्रा पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल है कि कितने जनरल शिक्षा में हिंदी में है जिसमें हिंदी मीडियम के शोधार्थी अपना पेपर छपवा सकते हैं। तो बहुत सारे जनरल हैं हिंदी में, तो हजारों जनरल हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन केयर पोर्टल पर लिमिटेड जनरल ही आपको मिलेंगे जो हिंदी भाषा के होंगे। जरूरी नहीं है, एक शोधार्थी को अभी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि हम अभी सिर्फ केयर पोर्टल के बारे में सोचे, क्योंकि यूजीसी ने ओब्लिक करके रेफर्ड और पीयर रिव्यूड जर्नल के लिए भी एक स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो सकता है न्यूपा या नीपार, एनसीईआरटी, आईसीएसएसआर या बहुत कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लेवल पर काम कर रही है, यदि उसके जर्नल्स आपको मिलते हैं तो आप जरूर वहां पब्लिश कराइए, चाहे वो गेयर लिस्ट में हो चाहे ना हो, क्योंकि एक शोधार्थी के लिए या एक रिसर्चर के लिए एक स्पेस अभी भी है कि यूजीसी केयर ऑब्लिक जो आपके रेफर्ड और पीयर रिव्यूड जर्नल हैं उनको भी यहां पर स्थान दिया गया है। और कोई प्रश्न आपका हो बताइए। धर्मवीर पटेल कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बाय द यूनिवर्सिटी भी होती है, उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ होती है यूनिवर्सिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब पब्लिकेशन कराएंगे क्लोज एक्सेस में तो उन लोगों को, उन व्यक्तियों तक और जो रीच है वो कम होती है। जैसे आप बहुत देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं तो सभी तो स्कोपस या थॉमसन रूटर डेटाबेस को सब्सक्राइब नहीं कर रही होती हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो उन डेटाबेस को, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज जे स्टोर को सब्सक्राइब कर रही हैं। तो जो जिस यूनिवर्सिटी में जो सा डेटाबेस सब्सक्राइब्ड है उसी डेटाबेस को आप उसके डेटाबेस के जर्नल्स को ही आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है एक्सेस करना। हाँ, एक सचदेवा पूछ रहे हैं कि मैनुअली आर्टिकल गूगल स्कॉलर पर कैसे अपलोड किया जाता है। आप स्कैन डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां पर जस्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, टाइटल ऑफ योर पब्लिकेशन, आपके ऑथर्स कौन कौन हैं, कब पब्लिश हुआ, आपका कोई ग्रुप है तो उसका लिंक, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देकर अपनी इंफॉर्मेशन को आप अपलोड कर सकते हैं। इन फ्यूचर यदि कोई हार्ड कॉपी में या हार्ड जो आपके पेपर अवेलेबल हैं उनको यदि रेफर करेगा तो वहां से डेटा को मैच करके साइटेशन और एच इंडेक्स जैसे जो कैलकुलेशंस है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। डॉक्टर पंडा पूछ रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में लिखित शोध पत्र इनमें इंडेक्स होते हैं। देखिए पहले ही मैंने बताया कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा के जर्नल्स को ही ये इंडेक्स करती हैं, भारतीय भाषाओं के जर्नल्स को यदि आपको देखना है तो उसके लिए यूजीसी केयर पोर्टल में सम्मिलित जर्नल्स को आप सम्मिलित करें, और खासकर जो रेयर हैं, जो जिनका इतना स्कोप नहीं है उनके लिए आप यदि देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप सिर्फ यूजीसी के जो पीयर रिव्यूड और रेफर जर्नल्स को भी रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर पांडे पूछ रहे हैं कि आजकल अधिकतर जर्नल्स में इम्पैक्ट फैक्टर दिया रहता है। हाँ दिया रहता है, बहुत सारे जर्नल्स में दिया रहता है। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि मैंने अभी अपना पेपर पब्लिश कराया, दैट वाज ऑफ 7.9 इम्पैक्ट, एजुकेशन का जर्नल और 7.9 इम्पैक्ट का। तो फिर मैंने पूछा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो यहाँ उन्होंने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का है वो। तो देखिए एक बड़ा इशू आता है इसमें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट को हम नहीं फॉलो कर सकते, हमें
कुछ स्पेसिफिक, हमने जो बताया कि जो हमारा जो थॉमसन न्यूटन या क्लेवेट एनालिटिक्स है उसी के इम्पैक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ग्लोबली वही एक्सेप्टेबल है, यूजीसी वही एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए एक इशू होता है। और कोई प्रश्न आपका हो? कोई प्रश्न आपका और हो तो आप बताइए, अदरवाइज लग रहा है। रंजन कुमार साहू, देर आए दुरुस्त आए। मोस्ट ऑफ द स्कोपस इंडेक्स जर्नल आस्क फॉर एपीसी फॉर ओपन एक्सेस। ऑल्दो वी विश टू पब्लिश आर वर्क इन दो जर्नल्स एंड अंडर ओपन एक्सेस फॉर वाइड रीच, बट ड्यू टू द एपीसी वी आर अनेबल टू डू द सेम। व्हाट इज द योर व्यू पॉइंट टू पब्लिश एन आर्टिकल बाय पेइंग एपीसी फॉर अ रिसर्चर। मैं बता चुका हूँ वैसे रंजन इस बारे में कि दो तरीके के जर्नल्स होते हैं। तो दो तरीके के जर्नल हैं, ओपन एक्सेस हैं और क्लोज एक्सेस हैं। ओपन एक्सेस जर्नल हैं तो एनुअल आपको पब्लिकेशन फीस पे करनी होती है, लेकिन आप सभी जर्नल एपीसी पब्लिकेशन फीस लें ये जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है ना कि किस पब्लिकेशन में आप भेजें। आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ग्रांट मिली हुई है, तो आप एपीसी दे सकते हैं, पब्लिकेशन फीस दे सकते हैं, पब्लिकेशन चार्जेस दे सकते हैं। और साइंसेज में होता भी है ये, साइंसेज में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो पब्लिकेशन के लिए भी हम डिमांड करते हैं बजट की, तो वहां पर होता भी है। इवन यूनिवर्सिटीज भी, कई यूनिवर्सिटीज भी आपके पब्लिकेशन के लिए जो आपको ग्रांट देती हैं उसके लिए भी वो भी आपको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप चार्जेस देने के, मतलब जो आप पब्लिकेशन फी देने के लिए। लेकिन यदि आप सोशल साइंसेज की बात करें तो अभी मैं यही कहूँगा, यही आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रयास आप यही करें कि जरूरत नहीं है आपको पब्लिकेशन फीस देने की, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो सिर्फ देखा, जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि थॉमसन रूटर लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा भी नाम अलग कर दिया, थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, तो वहां पर हम लोग, हमें लगता है कि ये वही जर्नल है, इसमें पब्लिश करा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं पब्लिक प्रचार नहीं कर रहा कि रिबोक है, तो रिबोक, रिबोक आपके सामने होता है एक ब्रांड, साथ ही आपके सामने रिबुक भी है, एक ओई तो बढ़ाना है। तो आप क्या करते हैं, रिबुक को रिबोक समझ लेते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जर्नल्स भी हैं जो इस चीज को, रिसर्चर के पेशेंस को, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो हमें उस धैर्य की परीक्षा नहीं लेने चाहिए। और सबसे बड़ा इशू यही है हम रिसर्चर्स में, हम रिसर्च तो बहुत धैर्य से करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, लेकिन जब पब्लिकेशन का टाइम आता है तब हम अपना धैर्य खो देते हैं, हमें फिर एकदम से इमीडिएटली पब्लिकेशन चाहिए। और आप ये मान के चलिए आपको किसी अच्छे रेफर्ड जर्नल में पब्लिश करना है तो कम से कम 6 से 8 महीने रिव्यू प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। सारिका जी कह रहे हैं कि सर मोस्टली दीज वेब ऑफ साइंस एक्सेट्रा प्रूव्स फ्रूटफुल इफ वन हैज एन इंस्टीट्यूशनल आईडी, सो इफ समवन इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव सच एक्सेस और डज नॉट प्रोवाइड सच एक्सेस इन सच केसेस व्हाट वन शुड डू। ये बहुत इशू है सब, क्योंकि इनका जो सब्सक्रिप्शन है सारिका जी बड़ा, एक कहें तो थोड़ा सा महंगा होता है कंपैरेटिवली। कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन जैसे एब्सको है, जिस स्टोर है, जो सस्ते में और जल्दी कम पैसे में ही सब्सक्रिप्शन हो जाता है, लेकिन जब थॉमसन रूटर और स्कोपस की बात करते हैं तो जहां तक मैंने सुना है कि इनका जो सब्सक्रिप्शन है बड़ा थोड़ा सा महंगा होता है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम ऐसे जर्नल्स को सर्च करें जो इनमें लिस्टेड हैं, लेकिन वो ओपन एक्सेस नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूशन आईडी की आपको आवश्यकता होती है। तो जो भी अच्छी लाइब्रेरीज हैं
वो लाइब्रेरीज आपको फैसिलिटी देती हैं, एज ए गेस्ट आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उन लाइब्रेरीज में जाकर आप गेस्ट एक्सेस करके आप उन जर्नल्स को देखिए, वहां पर इतने रिफाइंड ऑप्शंस हैं। यदि आप एक सिंगल डे भी विजिट कर लें किसी ऐसी लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी में आपका स्कोपस और थॉमसन, जो स्कोपस और जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो आप एक दिन में ही अपनी रिसर्च से रिलेटेड कई सौ पब्लिकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिफाइंड ऑप्शंस इतने हैं। जैसे आप किसी भी सोशल परचेजिंग, जो हमारी जो जैसे अमेजन और ये फ्लिपकार्ट, ये सभी साइट्स पर आप देखते होंगे ना, बहुत सारे रिफाइंड ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर भी एक इन वेबसाइट में भी रिफाइंड ऑप्शंस है। आप पर्टिकुलर उसी विषय पर, उसी फील्ड में यदि आपको पब्लिकेशन सर्च करने हैं, वो पेपर सर्च करने हैं, तो वहाँ उन रिफाइंड ऑप्शंस को लगाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए एक कम समय में आपकी सर्च एफिश, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया कि यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, लीनियर प्रोसेसिंग नहीं होती। जो गूगल सर्च है वो लीनियर प्रोसेसिंग पर आधारित है। गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि हजारों डॉक्यूमेंट, लाखों डॉक्यूमेंट आपके सामने लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन डॉक्यूमेंट्स की, जब आप इंडेक्सिंग एजेंसीज के डेटाबेस को विजिट करते हैं, तो वहां पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। वहां आप डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगाकर आप उस पर्टिकुलर रिसर्च तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। डॉक्टर पांडे पूछ रहे हैं कि क्लोज एक्सेस जर्नल में प्रकाशन के फायदे हैं। फायदा तो देखो, अपने आपको यदि अपने लिए प्रकाशन करना है तो आप क्लोज एक्सेस में कराएं, किसी भी जर्नल में कराएं, फायदा तो है ही, यदि वो जर्नल उस प्रॉपर डेटाबेस में लिस्टेड है। लेकिन यदि आपको आउटरीच, लोगों तक पहुंचना है ना, लोगों तक पहुंचने के लिए तो आपको ओपन एक्सेस जर्नल की आवश्यकता होगी ही। यदि ओपन एक्सेस जर्नल में नहीं कराएंगे तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रीतम पूछ रहे हैं कि सर, हाउ वी श्योर अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ स्कोपस इंडेक्स जर्नल? टुडे सो मेनी यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स आर आल्सो अवेलेबल इन डुप्लीकेट फॉर्म। नाउ देयर इज नो यूजीसी लिस्ट, आपको ये क्लियर होगा, आप इसको केएल लिस्ट ही है। तो ऑथेंटिकेशन श्योर करने के लिए जरूरी है कि स्कोपस की जो जर्नल की जो लिस्ट है, उस लिस्ट को आप देखते रहें। हमारे केयर पोर्टल पर भी वो लिस्ट अवेलेबल है, उसमें सारी, अब उसमें नाम आ गया इसका मतलब ये लिस्टेड नहीं है, उसके सामने बहुत सारे कॉलम दिए गए होते हैं। आप वहां देखिए कि कंटिन्यू है या नहीं है, उसमें लिखा होता है कंटिन्यू फ्रॉम दिस ईयर, डिसकंटिन्यू फ्रॉम दिस ईयर। तो ये चीज आपको उस लिस्ट में से, क्योंकि हर साल ये जो डेटाबेस है अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, तो आपको आवश्यकता यही है कि आप उस अपडेटेड लिस्ट को देखते रहें। और कोई प्रश्न आपका, किसी का भी? रिसर्चर हैं अभी तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीयर रिव्यूड जर्नल में कराइए, रेफर्ड जर्नल में पब्लिकेशन कराइए, वो भी काउंटेबल होगा। हाँ, प्रोफेसर बन जाएं तो यूजीसी केयर की तरफ आप बढ़िए। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि यूजीसी केयर को आप प्रायोरिटी में रखिए। लेकिन इफ यू नीड इमीडिएट पब्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर हैं, आपको अपनी थीसिस से संबंधित दो पेपर्स आपको पब्लिश कराने होते हैं, अब क्योंकि देखिए रिव्यूज में बहुत टाइम लगता है, तो रिव्यू को, अब रिव्यू जर्नल के लिए एक इशू ये होता है कि 6 8 1 साल तक का भी समय लग जाता है। तो अब इतना समय एक रिसर्चर के पास तो नहीं होता, तो उसके लिए आप पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार आप थीसिस कर लें तो आगे जो प्रयास करें वो उन जर्नल्स के लिए भी कर सकते हैं।
ये इशू तो है रंजन, स्कोपस जर्नल में आप भेजेंगे पब्लिकेशन तो दे नीड एनरिच्ड कंटेंट, दे नीड एनरिच लैंग्वेज इनपुट्स, और ये आता ही है कि लैंग्वेज इश्यूज होते ही हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हम स्कोपस जर्नल्स में ही भेजें यदि लैंग्वेज इश्यूज हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यदि हम किसी से लैंग्वेज एडिटिंग कराते हैं तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हम लोगों की सबकी लैंग्वेज उतनी अच्छी हो, उतनी कमांड हो, जरूरी थोड़ी है। और हमारी कमांड यदि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे नहीं है तो वो हमारी कमी नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट करें। हम यदि हिंदी में अच्छा लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे जर्नल्स हैं हिंदी के, उनको अच्छे पब्लिकेशन नहीं मिलते हैं करने के लिए। बहुत सारे एजेंसीज हैं जो इस जो हमारी जो गाइड जो हमारे एनसीटी एनसीआरटी या निपा के जर्नल्स हैं, आप देखें बहुत सारे जर्नल्स अवेलेबल हैं वहां पर हिंदी में, तो वहां पर भी आप पब्लिकेशन के लिए अपने जर्नल्स को भेज सकते हैं। और इथिकल कंसिडरेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे इश्यूज होते ही हैं। आपकी थीसिस यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप इंग्लिश उसको पब्लिकेशन के लिए आप पेपर कहीं अच्छे जर्नल में बाहर भेजना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति से यदि आप लैंग्वेज एडिटिंग कराते हैं तो मेरे रिकमेंडेशन तो ये है, आपको पता नहीं सही लगेगी या नहीं, उस व्यक्ति को भी आप अपने पब्लिकेशन में ऐड करिए। क्यों? क्योंकि उसने भी तो कंट्रीब्यूट किया है आपकी रिसर्च के पेपर में, उसको पेपर को अच्छा बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो उसको यदि आप अपने पब्लिकेशन में या तो एक्नोलेज करें या एक एज को ऑथर के रूप में ऐड करें, तो ये जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वहां पर पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप देखते होंगे ना कि साइंसेज में तो यदि आपने लैब यूज की है तो भी आपका नाम उस पेपर में एज ए को ऑथर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस लैब के आधार पर ही तो आपका रिजल्ट आ पाए, तो वहां पर ये करते ही हैं साइंसेज में, तो क्यों नहीं हम सोशल साइंसेज में ये कर सकते हैं यदि हम हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक अब कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं, प्रश्न होते तो मैं जवाब देता आप लोगों के। अश्विनी मिश्रा पूछ रही सर कितने प्रकार के शोध पत्र लिख सकते हैं। ये मेरा आज डेलिब्रेशन का विषय नहीं है, मुझसे अलग से पूछ लेना तुम। रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं हम, और रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशंस लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। और कुछ भी रिसर्च जो कुछ भी हम लिखते हैं वो रिसर्च पब्लिकेशन ही होता है। क्यों? जब आप साइटेशन दे रहे होते हैं, जब आप प्रॉपर रेफरेंसिंग दे रहे होते हैं, तो आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करके ही तो रिफर कर रहे होते हैं चीजों को, तो इसलिए जो भी लिखते हैं वो पब्लिकेशन ही होता है, रिसर्च पब्लिकेशन ही होता है। सो आई थिंक नाउ आई शुड कंप्लीट माई दिस सेशन। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़े रहने के लिए मेरे साथ। हालांकि बहुत सारे लोग आप ऐसे हैं जो काफी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इस संबंध में। थैंक यू सो मच आप सभी को, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना, मौका दिया। ये मेरा फेवरेट विषय है, इस पर आप लोगों से मैं डिस्कशन कर पाया। थैंक यू डॉक्टर सोमू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। नाउ गुड डे, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अंजलि, थैंक यू अनामिका, थैंक यू गजानन और सभी जिन्होंने सुना, जिन्होंने प्रश्न किया। आपको कोई यदि और भी कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, प्रयास करूँगा कि उसको मैं सही से आंसर कर पाऊँ। सो थैंकफुल टू यू टीचर एजुकेटर्स ग्रुप एंड डॉक्टर सोमू, फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी का।